गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 12 तक खत्म किया था। 12 आपको होमवर्क में दिया था। एक्सरसाइज 6.3 सम नंबर 13 क्या क्वेश्चन है? तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर के पॉइंट ढूंढने हैं। तो कर्व है क्या? एक्स स्क्वेयर बाय 9 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 16 इज इक्वल टू 1। एट विच द टेंजेंट आर, दो कंडीशन दी हुई है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, दो कंडीशन के हिसाब से वर्कआउट करना है। ओके चलो, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बात की बात है। सबसे पहले तो उसका डेरिवेशन करके डिवाइड बाय dx निकालते हैं। कैसे? तो 1 बाय 9 पड़ा रहेगा, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेशन 2x, 1 बाय 16 पड़ा रहेगा, वाई स्क्वेयर का डेरिवेशन 2y, और y का अगेन करोगे तो डिवाइड बाय dx, और 1 का क्या हो जाएगा? 0। सीधी बात है, हमें अल्टीमेटली घुमा फिरा के स्लोप के लिए डिवाइड बाय dx लाना है। जितना कैंसिल होता है उतना करो, 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 बाय 9x प्लस यहाँ पे y/8 डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0। y/8 डिवाइड बाय dx उसको सब्जेक्ट बनाए तो ये सामने जाएगा, तो -2/9x होगा। थोड़ा और आगे लेके जाते हैं तो dy by dx को बनाए तो 8 सामने हो जाएगा, -16/9, ऊपर x से नीचे y, ये हमको dy by dx मिला। क्या मिला? dy by dx। चलो सबसे बढ़िया ये, देन आफ्टर अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया है, पैरेलल टू x एक्सिस कंडीशन नंबर 1, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या? कि भाई एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको अल्टीमेटली ढूंढना है पॉइंट पर। एक्स एक्सिस पहले भी आ चुका है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? 0। तो ये तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy by dx, दैट मीन्स dy by dx इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स -16/9 ओके इंटू एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो सब कुछ सामने जाएगा, 16/9 तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 0, वाई सामने जाएगा तो 0, तो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें तो पॉइंट ढूंढना था, एक्स इज इक्वल टू 0 मेन इक्वेशन में रखो, एक्स स्क्वेयर बाई 9 वाई स्क्वेयर बाई 16 इज इक्वल टू 1, इसमें x की जगह 0 रखो, ये पूरा 0 बचा, क्या? वाई स्क्वेयर बाई 16 इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स y इज इक्वल टू ±4। क्या आएगा? ±4। तो दो पॉइंट मिले, x 0 तब y +4 भी मिला, -4 भी मिला, तो लिख सकते हैं 0 के टाइम पे ये 4 और 0 के टाइम पे ये -4। ओके, तो हमें पॉइंट ढूंढने थे और दोनों के दोनों पॉइंट हमको मिल गए अच्छी तरीके से। बोलो समझ में आया बेटा सभी को? ओके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो नंबर 2 उसमें लिखा है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। क्या बोला है? पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस में क्या करना है? तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, तो सीधी बात है कि उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 नहीं होता। ओके टेंजेंट थोड़ा क्लियर करता हूँ, पैरेलल टू y एक्सिस, तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस उसका मीनिंग उसका नॉर्मल उसका ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉर्मल उल्टा हो जाएगा,
तो ये बात तय हुई कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एक्स एक्सिस हो तब जीरो होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जीरो, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या तो माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रहा है ना, पूरा उल्टा कर दिया, इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। माइनस तो सामने जाएगा तो जीरो हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो ये क्या आएगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है तो पूरा उल्टा लिखो, ओके, माइनस नाइन बाई सिक्सटीन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगेन कॉन्स्टेंट सामने जाके जीरो, x सामने जाके जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x मिला था, इधर y जीरो मिला। अब y जीरो मेन इक्वेशन में रखना है तो एक्स स्क्वेयर बाई नाइन वाई स्क्वेयर बाई सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, वाई स्क्वेयर बाई सिक्सटीन वाई जीरो तो सॉरी इज इक्वल टू वन है, एक्स स्क्वेयर बाई नाइन इज इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू नाइन, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस थ्री। वाई जीरो पे एक्स की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी वैल्यू आई, नंबर वन पहले एक्स थ्री फिर भी वाई जीरो, एक्स माइनस थ्री फिर भी वाई जीरो। सबको सही से समझ में आ गया, दो बेटा हमने केसेस लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका पूरा सॉल्यूशन, उसका पूरा पॉइंट निकाला, देन आफ्टर पैरेलल टू वाई एक्सिस उसका पूरा सॉल्यूशन, उसका भी पूरा पॉइंट निकाला। दोनों केस में सही तरीके से सही बात से हमने दोनों पॉइंट ढूंढने थे तो वो हमने काम खत्म किया। एग्जाम्पल नंबर 14 में फाइव सम है, कितने सम है, फाइव सम, और पांचों के पांचों सम सेम, पांचों के पांचों सम सेम, आपको एक सिखाऊ सब आ जाए ऐसा। फाइंड दी, देखो क्या लिखा है, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी ढूंढना है, नॉर्मल का भी ढूंढना है, टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेट पॉइंट। कर्व भी दिया है पॉइंट भी दिया है, चलो पहले वाली बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल के बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर में फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स प्लस फाइव, और पॉइंट है 0.5। ये काम आएगा फ्यूचर में, अभी रखो। चलो, तो जो दिया है टेंजेंट का भी इक्वेशन ढूंढना है, इक्वेशन ढूंढना है तो हमको ये रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक पॉइंट की होती है और दूसरे स्लोप की होती है। पॉइंट तो रेडी पड़ा है, बात रही स्लोप की तो ढूंढते हैं। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स पावर आगे, पावर में से कम, सिक्स जा थ्री एटीन एक्स स्क्वेयर, थर्टीन जा टू ट्वेंटी सिक्स एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फाइव, तो जीरो हो जाएगा। चलो ये डी वाई बाई डी एक्स कम्प्लीट, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, सब कुछ मतलब कि सही तरीके से है। डी वाई बाई डी एक्स के बाद हमें पॉइंट दिया है 0.5 दिया है, क्या दिया है, पॉइंट 0.5। ये डी वाई बाई डी एक्स ही स्लोप है टेंजेंट का, डी वाई बाई डी एक्स ही स्लोप है। तो अब हमारे पास पॉइंट है 0.5, उसका मीनिंग x की जगह पे 0 और y की जगह पे 5, y है ही नहीं, तो dy वाई बाई डी एक्स जहाँ जहाँ एक्स आए वहाँ 0, तो 0 0 0 तो बचा माइनस टेन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, माइनस टेन, और पॉइंट क्या है 0.5। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो याद है वो लाइन का इक्वेशन ढूंढने का, y माइनस वाई वन एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, तो y माइनस ये तुम्हारा x1 y1, तो y1 5 m दैट मीन्स स्लोप माइनस टेन, x माइनस एक्स वन दैट मीन्स जीरो। चलो y है माइनस फाइव है, माइनस टेन एक्स आएगा, एक्स माइनस जीरो एक्स और माइनस टेन, तो माइनस टेन एक्स पकड़ के इधर लाओ, तो टेन एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। बोलो कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल तरीके से, पर ये चीज़ हमने एक ही चीज़ ख़त्म की है, ओनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
अभी बात करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलो नॉर्मल का इक्वेशन के लिए पॉइंट तो सेम है, क्वेश्चन में दिया है, पर जो हमने स्लोप ढूंढा था वो टेंजेंट का ढूंढा था, तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हर बार पूरा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना होता है, तो माइनस टेन, तो ये कैंसल होके वन बाई टेन रेसिप्रोकल हो जाता है ना, और साइन भी चेंज हो जाती है, तो स्लोप मिल गया, पॉइंट तो वही है 0.5। तो इक्वेशन क्या बनेगा, वाई माइनस वाई वन एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई माइनस वाई वन दैट मीन्स 5, एम है 1/10 और ये एक्स माइनस जीरो, y माइनस फाइव। चलो एक काम करते हैं, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 इंटू वाई तो 10y माइनस 50 और ये x, क्योंकि x माइनस जीरो एक्स और 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको सामने लेके जाओ तो x है माइनस 10y है और प्लस 50 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या हो जाएगा प्लस 50 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तुम्हारा हो गया स्लो इक्वेशन ऑफ स्लो, ओके चलो सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगेन सब कुछ एग्जांपल में क्या करना है, जो y है उसका डेरिवेशन कर दो dy बाई डी एक्स, ओके तो वो आपको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, स्लोप की पर्टिकुलर नंबरिंग में वैल्यू लाने के लिए पॉइंट दिया है, पॉइंट रखो तो परफेक्ट, मतलब कि कुछ नंबर में आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल गया, ओके तो जो मिला वो टेंजेंट का मिला है, तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट रेडी पड़ा है, स्लोप मिल गया है तो काम खत्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो टेंजेंट का जो ये स्लोप मिला है उसको रेसिप्रोकल करना है, क्या करना है रेसिप्रोकल, ले मीन इसके डिवाइडेशन में लिखना है और आगे साइन माइनस वन आएगी, उसके बाद आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, पॉइंट तो वही कॉमन रिपीट है, और लाइन का इक्वेशन ढूंढने का काम हम पहले भी सीखे थे और अब भी मैंने सिखाया है, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। जस्ट 2 सेकंड होल्ड ऑन करता हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, रब करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलो रफ कर रहा हूं, चलो उसी में थोड़ा आगे और ज़्यादा क्लियर करते हैं, सेम चीज़ एग्जाम्पल नंबर 2, ओके तो एग्जाम्पल नंबर 2 डी 2 कॉपी, देखो लाइन टू लाइन, ओके कि भाई वाई दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है एसेट्रा एसेट्रा, तो उसको सेम वे करना है, क्लियर। नंबर 3 में कराता हूँ, 3 और 4 सेम है, फिर 5 देखते हैं, ओके तो नंबर 3 में आपको क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इजी है और पॉइंट है 1 1, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और पॉइंट है 1 1। चलो करना स्टार्ट कर दो, तो सबसे पहले y का डेरिवेशन dy बाय dx, पावर आ गए, पावर में से एक कम, उसमें पॉइंट डालो dy बाय dx में, कौन सा पॉइंट, तो 1 1, तो x की जगह पे 1 1 का स्क्वायर 1 3 1 3, पॉइंट रेडी, स्लोप रेडी, ओके तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वही y माइनस वाई वन एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन दैट मीन्स 1, m दैट मीन्स 3 और x माइनस एक्स वन दैट मीन्स 1, तो y माइनस 1 3x माइनस 3, सब कुछ सामने लेके जाओ तो 3x तो है, प्लस वाई सामने जाएगा तो माइनस वन, माइनस वन सामने जाएगा तो प्लस वन, दैट मीन्स माइनस टू बचेगा इज इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर ये हो गया। चलो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन हमको चाहिए बेटा, तो सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ
नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या, तो माइनस वन अपन जो दिया है वो नीचे लिख दो, तो माइनस वन बाई थ्री मिल गया। तो इक्वेशन आएगा वाई माइनस वाई वन एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन दैट मीन्स एक्स वन वाई वन ये वन है, चलो एम दैट मीन्स माइनस वन बाई थ्री एक्स माइनस एक्स वन भी वन क्योंकि पॉइंट वन वन है। चलो थ्री से मल्टीप्लाई करो तो थ्री वाई माइनस थ्री माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, क्लियर। चलो सबको एक तरफ लाओ तो पूरा एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स प्लस थ्री वाई, वन को भी इधर लाओगे तो माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री था और अगेन माइनस वन आएगा तो माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। बोलो अच्छे से बेटा सब समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी सम है और कॉपी पेस्ट टाइप के हैं, ओके। चलो उससे थोड़ा आगे बढ़े तो एग्जाम्पल नंबर थ्री एंड एग्जाम्पल नंबर फोर दोनों सेम है, देखो उसमें तो एक्स स्क्वायर है और पॉइंट जीरो जीरो है। अब बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फाइव की, नंबर फाइव में आपको दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू, पैरामेट्रिक इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू कॉस टी वाई इज इक्वल टू साइन टी, ओके। और आपको बोला है टी इज इक्वल टू पाई बाय फोर, चलो ओके। चलो x एंड y के हिसाब से पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पहले तो डेरिवेशन करके dy बाई डी एक्स लाना पड़ेगा, कैसे, तो dx एक्स बाई डी टी माइनस साइन टी, डीवाई बाई डी टी कॉस टी, चलो माइनस साइन टी कॉस टी। फाइनली हमको dy बाई डी एक्स ढूंढना है तो ऊपर y वाला आंसर दैट मीन्स कॉस टी, नीचे माइनस साइन टी कॉस माइनस साइन दैट मीन्स माइनस कॉट टी, एक्स नहीं है टी, ओके। चलो नाउ वी नो दैट के टी इज इक्वल टू पाई बाय फोर, ओके। चलो तो कॉमन चीज करते हैं, टी इज इक्वल टू पाई बाय फोर लिखो तो स्लोप डी वाई बाय डी एक्स क्या, माइनस कॉट पाई बाय फोर दैट मीन्स माइनस वन। चलो सबसे पहली बात ये एक चीज आई, फिर एक्स वाई भी डिसाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई फोर दैट मीन्स x इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, रेडी। चलो y इज इक्वल टू साइन पाई बाई फोर, ओके, दैट मीन्स y इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, ओके, ये भी मिला तो पॉइंट मिला वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू और स्लोप मिला माइनस वन, पॉइंट रेडी है स्लोप रेडी है तो इक्वेशन मिलेगा। जब नॉर्मल की बात करो तो पॉइंट तो यही रहेगा, स्लोप है वो उल्टा हो जाएगा तो वन का रेसिप्रोकल वन और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो उसमें तो और भी अच्छा, माइनस वन का क्या हो जाएगा प्लस, ये सब ये दोनों चीज़ टेंजेंट की है, ओके। जब आप नॉर्मल की बात करोगे तो दोनों चीज़ में पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं होगा पर जो नॉर्मल है वो माइनस वन की जगह पर क्या हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन आपको अपने आप करने हैं, उसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, बाकी दोनों कंप्लीट और अच्छी तरीके से क्लियर करने हैं। बोलो आ जाएगा समझ में, ओके। टोटल मतलब कि इसके फाइव सम और पहले का एक वन सम, टोटल छः सम हमने देखे बेटा, उसमें मैंने दो आपको होमवर्क में दिए हैं, ओके। कौन कौन से, तो एग्जाम्पल नंबर एक टू होमवर्क में दिया, इसमें जो मिसिंग था वो नंबर टू होमवर्क में दिया है, फिर थ्री करवाया है और फोर होमवर्क में दिया है, टोटल फाइव सम थे मिक्स में उसमें, और नंबर फाइव है उसमें थोड़ा लास्ट वाला इक्वेशन ढूंढना है, नहीं बाकी सब कुछ परफेक्ट और सही तरीके से है, अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बड़ा रखना है और अच्छे से मतलब के क्लियर करना है, कंप्लीट, ओके। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ओके, कल नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना, थैंक यू।